सैम करन, इसका बड़ा नाम सुना था, सैम करन की बेस प्राइस है 2 करोड़ और फाइनल प्राइस 18 करोड़ 50 लाख। जली ना तेरी भी जली ना। अगर मैं इसको पाकिस्तानी रुपीस पर कन्वर्ट करूं अली साहब, 50 करोड़, तकरीबन 50 करोड़ बनता है, 50 करोड़। अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल खेलते तो इस वक्त बाबर आजम से ज्यादा वैल्यू थी हैरी ब्रूक की T20 क्रिकेट में भाई आप। जब ऑक्शन का सिस्टम आएगा तो हम भी इतना पैसा लगाएंगे तो बड़े प्लेयर आके खेलेंगे, बेशक पीएसएल में बड़े प्लेयर आ रहे हैं लेकिन कंट्रोल कंट्रोल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल क्रिक बैट स्पोर्ट में स्वागत है। दोस्तों अभी भारत में आईपीएल ऑक्शन चल रहा है। दोस्तों आईपीएल ने इंग्लैंड के सैम करन और बेन स्टोक्स के लिए पैसा पानी की तरह बहाया है। दोस्तों इस बारे में पाकिस्तानी मीडिया बहुत गुस्से में, वो फुट फुट कर रो रहे। दोस्तों वो कह रहा है कि भारत के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आता है। दोस्तों आप भी ये वीडियो अंत तक देखना क्योंकि आपको वीडियो देखने में बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। बिलीवेबल 18.50 करोड़, यानी कि अगर मैं इसको पाकिस्तानी रुपीस पर कन्वर्ट करूं अली साहब, 50 करोड़, तकरीबन 50 करोड़ बनता है, 50 करोड़ में सैम करन जो स्कूल कॉलेज का बच्चा भी इंटर सेंटर के उसे एग्जाम दिए थे, 50 करोड़ का आईपीएल की तारीख का सबसे महंगा तरीन खिलाड़ी, इंडियन रुपीस में 18.50 और ओवरऑल 50 करोड़ का कुरन बिका अली साहब, ये मैं कहता हूं कि दुनिया की किसी भी कोने में जाके अपनी लीग करवा सकता है। ओह माय गॉड, मैं एक बात बता दूं, आपको मजाक लगेगा, आप कहेंगे कहां से बात जोड़ लो। अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल खेलते तो इस वक्त बाबर आजम से ज्यादा वैल्यू थी हैरी ब्रूक की T20 क्रिकेट में भाई। आपको बुरा लगे या अच्छा लगे बात मैं जोड़ दूं, 13.25 में ये गया है बाबर, इसका मतलब 5-7 में ही जाता अगर बहुत, वो भी नाम पे क्योंकि देखिए जिस टीम में वो जाते वो टीम तो फंस जाती क्योंकि ये अपनी बारी लेते रहते। हैरी ब्रूक वो प्लेयर है जो पीएसएल का जबरदस्त किस्म का प्लेयर रहा है, इसने पाकिस्तान के अगेंस्ट 3 सेंचुरियां मारी, उसके अलावा वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दी हैरी ब्रूक की, जिसे कहते हैं 1.5 करोड़ बेस प्राइस थी और 13.25 करोड़ तेरी खैर हो, मतलब के 13.5 करोड़ लगभग इसका रेट लग गया, मतलब इतने पैसे यार खीरी होगी है। अगर अब ये मुसीबत बन गई है हमारे लिए क्योंकि इतना पैसा इन्होंने उसको दे दिया है, अब इतने पैसे में इसने कहाँ पीएसएल आके खेलनी है, इसको शौक चढ़ जाना है आईपीएल का, अब हैरी ब्रूक ने पीएसएल खेलनी नहीं। 13.25 करोड़ इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो यार मतलब कि ये तो मजाक है, इसको बन जाओ ये बन जाती 36-37 करोड़ के करीब, इतने पैसे एक सीजन खेलने के खीरी होगी यार। यही नहीं अभी और सुनिए, वही बात आ जाती है ना क्यों पीएसएल जिसको कहते हैं इस मामले में पीछे, क्योंकि पीएसएल ऑक्शन का सिस्टम नहीं ला रही। जब ऑक्शन का सिस्टम आएगा तो हम भी इतना पैसा लगाएंगे तो बड़े प्लेयर आके खेलेंगे, बेशक पीएसएल में बड़े प्लेयर आ रहे हैं लेकिन अब जिन लोगों को यहाँ आईपीएल से 18 करोड़ 17 करोड़ 16 करोड़ मिल रहा है वो आके पीएसएल में क्यों खेलेंगे। अब देखना हैरी ब्रूक जो हमारा टैलेंट था हमने प्रोड्यूस किया वो नहीं आके पीएसएल खेलेगा, कम खेलेगा क्योंकि उसको डर होगा कि मैं अनफिट हो गया तो मेरा जो आईपीएल का 13 करोड़ का सीजन है वो मारा जाएगा। खैर जिसको कहते हैं जली ना तेरी भी जली ना, गजब बेइज्जती है।